देखिए, आज मैं आपको दूसरे बीच में लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों, मैं आज आपको एक बढ़िया देखने लायक जगह पर लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये समंदर का पानी जा चुका है, समंदर पीछे जा चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी होता था पहले, कुछ दिन पहले, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं है। काफ़ी दूर तक समंदर पहुँच गया है। उधर आप देख सकते हैं वहाँ भी लोग कुछ कर रहे हैं, मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। क्या कर रहे हैं वो, कुछ पकड़ रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और कुछ लोग अपना जो केकड़े होते हैं तो केकड़े पकड़ पकड़ कर इकट्ठा कर रहे हैं, और उनको ले जाएंगे वो अपने घर पे, निकाल के उसमें ऐसे केकड़ों में से जो खाने लायक निकलता है तो वो निकाल के खाएंगी। ठीक है, ऐसे केकड़ा पूरा खाने लायक नहीं होता, आप जानते हो शायद। तो देखिए, ये बोट पड़ा है एक इधर, और एक वो बोट उधर रेडी हो रहा है जाने के लिए। दो है इधर, इसके पीछे एक और है, आप शायद आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए भैया क्या कर रहे हैं, इनको देखते हैं, अभी आपको ले जाते हैं, मछलियाँ पकड़ने की टेक्निक बताते हैं। हालांकि कोई ज़्यादा हटके नहीं होता, फिर भी आप देख सकते हैं कि इनका रोज़मर्रा का काम है, जो काफ़ी दिक्कत भरा रास्ता आज भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि आज कुछ ज़्यादा खास नहीं है इधर, कुछ भी ज़्यादा फिसलन भरा नहीं है, फिर भी है कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिल ही जाती है, पैर पड़ जाता है तो गिरने का डर है। आप देख पा रहे हैं ये, देखिए कैसा, इस पर पैर पड़ने से गिर सकती है। बहुत दूर तक यही सब बिछा हुआ, देखिए मैं इतना सब क्रॉस करके इधर तक आ पाया हूँ, देख पा रहे हैं। ये दूसरा बीच है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो देखिए वहाँ कुछ लोग हैं केकड़े पकड़ रहे हैं, केकड़ों में से निकाल के जो भी कुछ खाने लायक होता है निकाल लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं खाने में। वही भैया मछली पकड़ रहे हैं। हेलो, हाय, कितना मछली पकड़ा भाई, आया कोई मछली, आया एक आध नहीं मिला? भैया को मछली नहीं मिला है, और कोशिश जारी है। ये देखिए कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो जिन्हें शंख बोलते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, इनमें केकड़े होते हैं, इनमें अंदर केकड़े होते हैं जो अपने मन से निकलते हैं, जिस जब उनका मन होता है तब बाहर निकलते हैं, अदरवाइज अंदर ही रहते हैं। हजारों करोड़ों की तादाद में यहाँ ये पड़े होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए एक और बड़ा साइज से निकल गया है केकड़ा, जो चुपके हुए हैं अपनी जगह पे। ये सब केकड़े हैं इनमें अंदर, लेकिन वो निकलते नहीं है, दिख रहे हैं ये देखिए इससे निकल चुके हैं। तो कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है ये देखने लायक, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, ये जो चिपके हुए हैं ये सारे केकड़े हैं, देखिए देखते हैं आप, ये देखिए। तो भैया अपना मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, फंस जाए तो फंस जाए, है ना, कोशिश जारी है उनकी। इसमें कुछ खाने का सामान है, तो चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं उधर। मैं आपको जल्दी जल्दी चल के दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ी स्पीड करके डालना पड़ेगा। देखिए मैं कितना बड़ा रास्ता पार करके इधर आया हूँ, हालांकि कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पत्थर सूख चुके हैं, तो उतना फिसलन बड़ा
नहीं महसूस हो रहा है इधर, ना ही उन पर पैर पड़ने पर गिरने की संभावना उतनी ज़्यादा है जितनी पानी होने पर होती है। फिर भी ठीक है, आराम से चल पा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैं बहुत बार गिरते गिरते बचा, जब मैंने सबसे खतरनाक रास्ता चुना था पहाड़ को पार करने की, जो वीडियो मैंने दिखाई आपको, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, सॉरी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, और इसमें नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक वीडियो बनाया मैंने। देखिए आंटी जो है और उधर कुछ भाई लगे हुए हैं, केकड़े पकड़ रहे हैं। एक्चुअली इनका केकड़ा पकड़ने का थोड़ा शौक होता है और उनको अच्छा भी लगता है खाने में। पहला गिर गया यार, बच गया, गिरा तो नहीं। मैं इस रास्ते से आया हूँ, उधर थोड़ा फिसलन भरा लग रहा था मुझे, उसमें कहा चट्टान को पार करके जल्दी आ जाऊंगा। देखिए वो भाई उधर मछलियां पकड़ रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको दिखाया था, अभी उनको एक भी मछली नहीं मिली है। और समंदर देखिए कितना पीछे आ गया है, यहाँ आ गया है, जबकि समंदर की लहरें वहाँ तक होती थी, वहाँ तक वो नाव है ना उधर, वहाँ तक समंदर रहता था। ये सारा इलाका डूबा रहता था पानी में, ये चट्टान भर थोड़ा बहुत रहता था ऊपर, और आज ये देखिए कहाँ पहुँच गया है समंदर। तो मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से अब समंदर पीछे ही जाता जाएगा। अभी मैं दोस्तों आपको उधर लेके जाऊंगा, उस चट्टान पे, उस टापू पे, आप तो उधर जा सकती हैं क्योंकि वो रास्ता कट गया है, जैसे मैंने आपको दिखा बताया था पिछली वीडियो में। मैं वहाँ जाने की कोशिश करूंगा, और जाने की आज वो पूरी प्लानिंग है मेरी, मैं जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो चलते हैं। यहाँ तो आपने देख लिया टी वगैरह ये सब भाई बंधु क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलते हैं उधर, वहाँ से आपको और करीब से दिखा पाऊँगा समंदरों की लहरें। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ उस जगह पे, उस जगह पे जहाँ जाने का मैंने मन बनाया है, ठीक है, और मैंने ये रास्ता छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ से मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता था और फिसलने का डर था, तो मैंने कहा इस चट्टान होते हुए, इस चट्टान पे चलते हुए आराम से निकल जाएंगे, और इतना फिसलन भरा भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि समंदर देखिए कहाँ पर पहुँच चुका है, और वैसे समंदर का पानी वहाँ तक पहुँच जाता है उस साइड जहाँ पे बोट देख रहे हैं आप, वहाँ पे रहा। और ये चट्टान है जो आप देख रहे हैं, इनमें पानी भरा हुआ है, तो एक टाइम पहले यहाँ पे पानी भरा हुआ था, यानी समंदर का स्तर काफ़ी ऊँचा था, ठीक है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आएगा, तब उसी तरह से समंदर का पानी पीछे जाएगा, ठीक है। और देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये समंदर मतलब का पानी है, और यहाँ पे कैसे आया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि समंदर का लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाता है, ठीक है, बरसात के मौसम में, ठीक है। अभी बरसात का मौसम चला गया है, सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है, तो इस वजह से तो दिख रहे हैं कितना अच्छा सीन है ना, और मैं आपको और अच्छा सीन दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, बस आप बनी रहिए, वीडियो स्किप ना कीजिए, ठीक है। ये देखिए इधर पानी भरा हुआ, मैं इस रास्ते से नहीं आना चाहता था, ये सिंपल रास्ता लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये भैया कुछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं भाई। तो चलते हैं अब ऐसे निकल के, ऐसे 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 उस साइड में जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं उस जगह से, ये भाई खड़े हैं ना, इस जगह से ऐसे ऐसे रास्ता पार करके इधर आ पाया हूँ। तो रास्ता काफ़ी बेकार था, मैं कैमरा पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कैमरा जेब में रखा और चल पड़ा। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ ये रास्ता,
जहाँ मैं जाना चाहता हूँ उस जगह पे। एक्चुअली जब 8-10 दिन पहले मैंने जब वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि इस जगह पे मैं आज आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आने के लिए क्या है, मौसम का वेट कर रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ था, ये सब जगह पानी में धंसा हुआ था, मतलब पानी यहाँ तक था, तो ये सब जगह से मैं इस जगह को मैं तैर कर पार नहीं कर सकता था, इतनी मेरी क्षमता नहीं है, इतना मैं बड़ा तैराक तो है हूँ नहीं ना। तो मैंने सोचा कि पानी जब चला जाएगा, जब ये जगह साफ़ हो जाएगी, मैं जा सकता हूँ, तब मैं जाऊँगा। तो आज मैं ये सब पार करके और यहाँ आया हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा समंदर का। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो स्किप ना किया करें, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो हम छोड़ देते हैं और जिनसे हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो वीडियो पूरा देखा करें, और घूमने की वीडियो में कुछ होता भी नहीं है स्किप करने के लिए मेरे ख्याल से, है ना। हो सकता है आप जो स्किप कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो, है ना। तो ये देखिए कितनी पुरानी चट्टानें हैं, हजारों लाखों सालों पुरानी चट्टानें हैं, कितनी मजबूत होती हैं ये, कि हथौड़े से तोड़ने से भी टूटती नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इन पर चल रहा हूँ, ये काफ़ी मजबूत चट्टानें हैं। ठीक है, और ये भैया बंधु जो लगे हुए हैं अपना भोजन पकड़ने में। ठीक है, तो मैं आपको अंतिम छोर तक ले जा रहा हूँ, जहाँ पर समंदर अपनी अंतिम जो लहर होता है उसको छोड़ता है, मतलब जहाँ पर फिर उसके बाद फिर समंदर कहीं जाता नहीं है। ठीक है, तो इस तक ही रहता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं उस जगह से अभी आया हूँ, ये सब मैंने पार किया, और कैमरा मैं हाथ में नहीं ले सकता ना, तो मैंने इसको जेब में रखा और चल पड़ा। ये रास्ता मैंने तय किया और फिर इस जगह से चलते मैं इधर आ पाया हूँ। अब मुझे बस ये पार करके उस जगह जाना है, तो मैं बढ़िया व्यू दिखाऊंगा, नौकायन दिखाऊंगा मैं आपको जो चल रही है। देख पा रहे हैं आप, बोट जा रहा है और भी बोट आने वाले हैं, तो दिखाता हूँ आपको, काफ़ी ख़तरनाक और सुंदर व्यू। देखिए सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ ऊंचाई से, देखिए ये लहरें यहाँ तक आई, बरसात के मौसम में लहरें वहाँ तक पहुँच जाती हैं, जहाँ तक हम अपनी उंगली से दिखा पा रहे हैं आपको। बोट खड़ी हुई है ना, ये भैया केकड़े में लगे हुए हैं सारे, हर एक भाई भाई के पास एक एक दो दो तीन तीन किलो केकड़े हो चुके हैं, अब वो जा रहे हैं पका के खाएंगे। एक्चुअली दोस्तों केकड़े का स्वाद काफ़ी टेस्टी होता है, हालांकि स्मेल आता है उसमें पकाते वक्त, और खाने में भी थोड़ा स्मेल आता है, लेकिन टेस्टी बहुत होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने खाया है 4-6 बार मैंने खा लिया है यहाँ पे आके, तो अच्छा लगता है, इसलिए ये इतनी मेहनत करते हैं, वरना क्यों कोई इतनी मेहनत करेगा, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस यही है इनका एक पर्पज, हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, दिमाग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये, इसलिए चलो मैं वहाँ जाता हूँ भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं फाइनली उस जगह पे आ गया था, और उस जगह से इधर आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन मैंने फिर भी फ़ोन अपनी जेब में रखा, क्योंकि गिर सकता था और रास्ता इतना फिसलन भरा भी नहीं था, फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया। और देखिए आप मेरे सामने ये सारे नीचे नीचे जो भी देख रहे हैं चट्टानें हैं, और ये सब चट्टानों को मैं पार करते हुए आपको दिखाता हूँ समंदर का सबसे बेहतरीन नज़ारा। अगली बार मैं दोस्तों बता दूँ आपको, अभी ही बताता हूँ, अगली बार मैं उस टापू पे जाऊँगा जो आप देख पा रहे हैं, कितना अजीब है। अब समंदर का पानी चला गया है चूँकि, इसलिए मैं वहाँ पर अब जा सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस जगह पे जाके दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा, और ऊपर पहाड़ी से सारा आपको व्यू दिखाऊंगा, जितना भी मैं कोशिश करूंगा, जितना भी अच्छा दिखा पाऊं। ठीक है, तो देखिए ये समंदर का आखिरी किनारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बाद एक ही छोटी सी चट्टान दिख रही है जो आपको, वो है ये वाली, उसके बाद ये कोई भी किनारा नहीं है समंदर का। ठीक है, और इसी प्रकार वो भी समंदर का आखिरी किनारा है, वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ मैं, अगर नहीं बता पाया तो मैं बताने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। ओके, तो ये देखिए कि मैं सबसे ऊंचाई पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और मेरे आसपास जो भी आप देख रहे हैं सारा नीचा है, देख रहे हैं ना, तो काफ़ी डरावना लगता है, काफ़ी रिस्की लगता है, और
ऐसा लगता है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पहुंच पाऊंगा वहां तक कि नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर भी अगर डर को थोड़ा भी हम लोग इग्नोर करें और अपनी हौसले पर विश्वास करके किसी भी काम को करेंगे तो हमारा वो काम यकीनन सफल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समंदरों की लहरें बराबर धक्के मार रही हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है ना। तो दोस्तों, वीडियो हमारा लाइक करें प्लीज़, और वीडियो शेयर करें जितना हो सके हर एक प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एंड जिसका नाम है हाइकर मुजाहिद को प्लीज़ दोस्त, हाँ ये मेरा पुराना नाम था, मैंने नेम चेंज कर दिया, हाइकर मैन हैज़ कर दिया है। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करें और आप देख पा रहे हैं कि ऐसे ही मैं बराबर आपको रोमांचकारी और क्या कहते हैं सुंदर व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको कुदरत के अधिक से अधिक करीब ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल है हाइकर मैन हैज़ पर। थैंक यू।